हम सब यह सुनते आए हैं कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है और इसी में विलीन हो जाता है, लेकिन हम लोग महसूस नहीं कर पाते, ना हमारे अंदर थल यानी मिट्टी जैसा कुछ नज़र आता है, लेकिन जो हमारे चेहरा है, आकृति है और जो स्केलेटन है, वो उसमें थल की गुण है। उसी के कारण हमारा चेहरा एक सा रहता। जल हम थोड़ा जल्दी समझ सकते हैं, जब भी हमें चोट लगती है तो खून निकलता है और घाव में से पानी टपकता रहता, और पेट में जब गुड़गुड़ होती है तो हमें पानी एक जगह से दूसरी जगह हिलता हुआ महसूस होता। अग्नि की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अग्नि के पास तो हम जा भी नहीं पाते, और कितने ही लोग अग्नि में जल के मर जाते हैं। लेकिन उसके व्यक्त और अव्यक्त रूप हैं, जो जठराग्नि है वो हमारे भोजन को पचाकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है, उसी से हमारी सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। और अग्नि हमें व्यक्त तब दिखती है जब कोई व्यक्ति क्रोध से तमतमा रहा और उसको कोई छू दे तो सारा क्रोध आग की तरह उसके ऊपर बरस पड़ता है। हमारे ऋषि मुनियों ने पांच मुख्य अग्नि बताई हैं, काम, क्रोध, शोक, द्वेष और ईर्ष्या। अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए इन पंचाग्नियों के ऊपर नियंत्रण रखना आवश्यक बताया। इसका दमन नहीं करना होता, शमन करना होता। दमन में उसको दबा दिया जाता है तो जैसे दाब यानी प्रेशर कुकर में कोई चीज़ दबा दी जाए और सेफ्टी वॉल ख़राब हो तो वो फट जाती है, तो दमन में कभी भी वो विकराल रूप में बाहर आ सकती है, शमन में उसको शांत कर दिया जाता। और इन पांचों अग्नियों के बारे में बताया कि जब ये अग्नि जलती है तो धुआं उठता है और वो धुआं हमारे बुद्धि के ऊपर छा जाता है, और उस स्थिति में हमारी बुद्धि भी कोई निर्णय नहीं ले पाती। फिर वायु, हम उसको देख नहीं सकते और इनडायरेक्टली महसूस करते हैं कि जब उसके अंदर शोभ उत्पन्न होता है, वो बहने लगती है तो पेड़ के पत्ते हिलते हुए दिखते हैं, हमारे बाल कपड़े उड़ते हुए नज़र आते हैं, और कभी कभी वो विकराल रूप भी धारण कर लेती है। साइक्लोन वगैरह में आदमी उड़ने लगता है, कार आदि भी उड़ने लगती है और मकान भी तिनके के माफिक उड़ने लगते हैं। अब जैसे हम खाली गिलास को खाली कहते हैं, लेकिन वो दरअसल पूरा भरा होता है, उसके अंदर पूरे में वायु भरी होती है, बस ये है कि उसको उल्टा करने पर वो गिरती भी नज़र नहीं आती, इसलिए हम उसे खाली कह देते हैं। और आकाश
अनंत है और अंतरिक्ष तक फैला हुआ, और हमारे ऋषि मुनियों ने जब टेलीस्कोप आदि का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय भी अपने अनुभवी ज्ञान के आधार पर ग्रह आदि उन सब की स्थितियों का वर्णन किया। तो ये पांच तो स्थूल तत्व हो गए, और गीता में इन पांच तत्वों के अलावा तीन तत्व और बताए हैं जो हमारी सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन बुद्धि अहंकार। तो ये अष्ट प्रकृति, और महर्षि कपिल ने इस प्रकृति में 24 तत्व बताए और कहा कि जब इन 24 तत्वों का अनुभवी ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके बाद ही जाकर हम जो मूल तत्व है आत्मा, चैतन्य, एकमात्र चैतन्य तत्व आत्मा है, तो 24 तत्वों का अनुभवी ज्ञान करने के बाद ही उसका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो इन पांच के अलावा पांच ज्ञानेंद्रियां बताई, आँख, नाक, कान, जीभा और त्वचा, और पांच इनके द्वारा ग्रहण की जाने वाली संवेदनाएं या गुण, जैसे रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द। तो जैसे आँख की बात करें तो उसमें हमारी आँखें एक हद तक देख पाती हैं, और फिर आगे हम कांच के लेंस से कुछ और बारीकी तक देख पाते हैं, माइक्रोस्कोप से कुछ और अधिक बारीकी तक हम जा पाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम अणु परमाणु तक देख सकते हैं। ऐसे ही दूर की बात करें तो आँखों के बाद हम दूरबीन से कुछ दूर तक देख सकते हैं, टेलीस्कोप से अंतरिक्ष तक। और जैसा मैंने बताया कि पहले हमारे ऋषि मुनि उस टेलीस्कोप से भी दूर तक वो अपने अनुभवी ज्ञान से उससे जान लेते थे। अब शब्द की बात करें तो शब्द जब इस सृष्टि का उदय हुआ था तो प्रणव नाद हुआ, और वहाँ से लेकर अनाहत अनंत तक अनेकों स्तर के शब्द हैं जो साधक जिस स्तर पे होता है उसे वैसे शब्द सुनाई देते, और इसको वर्णन शब्द योग में विस्तार से किया हुआ है। और शब्दों की बात करें तो वाणी भी कई प्रकार की होती है, जैसे हम मुंह से जो बोलते हैं वो वैखरी वाणी वो कान तक जाती है और उसके शब्द वहीं ख़त्म हो जाते हैं। आपने देखा हम पुस्तकीय ज्ञान और कई ज्ञानी हमें ज्ञान की बातें समझाते रहते हैं, लेकिन हमारे व्यवहार में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि वो हमारे मन को और सूक्ष्म इंद्रियों को वो छू नहीं पाती। उसके बाद मध्यमा वाणी आती है जो हमारे मन तक जाती, और पश्यंती बुद्धि को छूती है, और उसके बाद में परावाणी हमारे अहम को सुनाई देती है। तो हमारे जो संत हैं वो उस वेखरी वाणी के अलावा इन परे की वाणियों का उपयोग ज़्यादा करते हैं।
इसीलिए अध्यात्म में मौन उपदेश का महत्व ज़्यादा है। और इन चारों वाणियों के बाद एक वाणी और है जिसको आत्मिक वाणी कहते। जो समर्थ गुरु होते हैं वो शिष्य की आत्मा से संबंध जोड़ लेते हैं। ऐसे ही गंध भी अनेक प्रकार की है, और स्पर्श की बात करें तो माता का एक थोड़ा सा स्पर्श शिशु को निश्चिंतता प्रदान कर देता। और स्पर्श में हम जानते हैं कि हम जिस भी चीज़ को स्पर्श करते हैं उसके थोड़े विचार और गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में दूर से हाथ जोड़कर नमन करने की प्रक्रिया है, जिससे हम उसके विचारों से थोड़ा दूर रह सकें। और सत्पुरुषों के हम चरण छूते हैं कि उनके गुण हमारे अंदर आ सकें। आगे इन गुणों की तन्मात्राएं होती हैं, पांच तन्मात्राएं, और उसके बाद जाकर हमारी सूक्ष्म इंद्रियां, उनका नंबर आता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जैसा आप सभी जानते ही हैं कि मन को इंद्रियों का राजा कहा जाता है, क्योंकि जैसे मन में भाव होते हैं उसी को पूरा करने के लिए इंद्रियां कार्य करती रहती। और ज़्यादातर जो बुद्धि है वो भी मन से ही प्रभावित रहती है। जो मन में इच्छित कार्य है बुद्धि भी उसको पूरा करने की यथासंभव चेष्टा करती है। और जैसे आप देखें कि बालक पढ़ाई कर रहा है तो वो बुद्धि का कार्य है, लेकिन यदि मन भटक गया, कोई मनपसंद गीत सुनाई दे गया या और कहीं मन भटक गया, तो वो किताब के पन्ने में क्या लिखा है वो उसको याद ही नहीं रहता। यदि हम चल रहे हों और हमारा मन भटक गया तो हम खंभे से जाकर टकरा जाते हैं या ठोकर खाकर गिर पड़ते। तो किसी भी कार्य में, चाहे वो सांसारिक हो या पारमार्थिक, उसमें सफलता के लिए यह आवश्यक है कि हमारा मन हमारा साथ दे और मन को स्थिर और शांत बनाना। फिर बुद्धि, बुद्धि के तीन कार्य हैं, स्मृति, विवेक और निर्णय। हम जो भी चीज़ देखते हैं, महसूस करते हैं या सुनते हैं वो कुछ समय तक हमको याद रहती है। अभी अगर हम पूछें तो हम कुछ विस्तार से बता देते हैं, कल कोई पूछे तो थोड़ा बहुत, और कोई एक महीने बाद पूछे तो कई बार भूल भी जाते हैं, जोड़ देने पर याद आ जाता है। कोई वर्ष के बाद पूछे तो उसकी हल्की हल्की एक याद, हाँ ऐसा कुछ हुआ तो था। और वर्षों बाद हमें उस स्मृति का एहसास भी नहीं होता। तो जो संस्कार है वो ऐसे ही सूक्ष्म रूप में हमारे बुद्धि पे अंकित रहते हैं। और इन संस्कारों के मिटाने के लिए जो उपाय बताए गए हैं, जन्म, औषधि, तप और ध्यान,
जैसा आप सभी जानते ही हैं कि हमारा जन्म उसी योनि में होता है जैसे हमारे संस्कार होते हैं। तो संस्कारों को काटने का एक उपाय ये है कि हम बार बार उसके हिसाब से जन्म लेते हैं। फिर औषधि, तप और ध्यान। ध्यान के लिए ये बताया गया है कि सरकंडे के नोक पे जो तंतु होते हैं उनको जब आग में जलाने के लिए ले जाते हैं तो लपट से दूर ही वो एक सेकंड में जल जाते हैं। तो जब ध्यान में समाधि होती है तो उस समय वो एक सेकंड में ही करोड़ों जन्मों के संस्कार दग्ध हो जाते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि जो साधक संप्रज्ञात समाधि तक पहुंच जाता है तो उसके संस्कार इतने दग्ध हो जाते हैं कि आगे उसको केवल मनुष्य की योनि मिलती है। और यदि वो इस जन्म में अपनी साधना पूरी ना कर पाए तो वो अगले जन्म में मनुष्य ही बनेगा और उस साधना को आगे ले जा सकेगा। और फिर बात आती है अहम की। अहम का अर्थ है कि मैं हूँ, यह भाव कि मैं ये कर रहा हूँ, और वो अपने को ईश्वर से जुदा एक अलग अस्तित्व में पाता है। एक बार सूफी संतों के समागम था। एक सूफी संत काले कपड़े पहन के आए तो लोगों ने पूछा कि तुमने काले कपड़े क्यों पहने हैं, कि किसी की मृत्यु हो गई? तो वो बोले कि मैंने अपने अहम को मार डाला। तो जिनके यहाँ वो आए थे उन्होंने अपने शिष्यों से बोला इसको उठाकर बाहर फेंको। फिर वो वापस आए, फिर उनसे यही पूछा, फिर उनको उठा के बाहर फेंकवा दिया गया। जब वो कई बार बाहर फेंकने के बाद भी शांत रहे तो उनको एक ऊंचा आसन दिया। परम पूज्य गुरु महाराज ने बताया है कि अहंकार की जो बाहरी पहचान है वो क्रोध है। तो ये क्रोध है वो ज़्यादातर अहंकार के कारण ही आता है। और अनेकों युद्ध जिसमें हजारों लाखों लोगों की जानें गईं उनका मूल वो अहंकार ही था। और ये जब 24 तत्वों का अनुभवी ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब जाकर मूल तत्व आत्मा का ज्ञान हो पाता है। इसीलिए संत बोलते हैं कि जहाँ मेरी रसाई है वहाँ पर मेरा साया भी नहीं जा सकता। जब अहम भी मिट जाता है तो उसकी छाया भी मिट जाती है, तो वहाँ वो व्यक्ति अस्तित्वहीन होकर ही जा पाता है। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनेकों प्रकार की साधनाएं बताई गई हैं। मूल उसमें से कर्म, उपासना और ज्ञान में आती हैं। तो कर्म में हमारी जो इंद्रियां हैं वो कार्य करती हैं और मन उसमें सहायता देता है। जैसे माला जपना, भजन कीर्तन करना, मंदिर जाना आदि। तो यह बताया गया कि माला जपना तो कर्म है, लेकिन उस माला जपते जपते अपने इष्ट में लय हो जाना वो कर्म योग है। तो कर्म अलग है और कर्म योग अलग।
तू जब अपने माला जपने के कर्म का भी भान ना रहे, अपना भी भान ना रहे और हम अपने इष्ट में लय हो जाएं, तब वो कर्मयोग सिद्ध होता। नारद जी की एक कथा है कि नारद जी भगवान से मिलने जा रहे थे तो रास्ते में एक पंडित जी मिले तो उन्होंने कहा आप भगवान के पास जा रहे हैं तो मैं सब लोगों में सुंदर सुंदर विचार बांटता रहता हूँ तो भगवान से पूछिएगा कि मुझे भगवान का दर्शन कब होगा। और ऐसे ही आगे एक मोची भी मिला, उसने भी यही प्रश्न किया कि भगवान से पूछ के आइएगा कि मुझे भगवान का दर्शन कब होगा। तो नारद जी जब लौट के आए तो पंडित से कहा कि इस जन्म में तो तुम्हें भगवान का दर्शन नहीं हो पाए। तो पंडित ने कहा कि जैसी प्रभु की इच्छा। अब जब मोची का नंबर आया तो नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा है कि जिस वट वृक्ष के नीचे वो मोची बैठा है रहता है उस पर जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद उसको दर्शन होगा। यह बात सुनकर मोची अत्यंत ही प्रसन्न हो गया और उठ के नाचने लगा कि मुझे भगवान का दर्शन होगा। और नाचते नाचते वो भगवान के ध्यान में इतना तल्लीन हो गया कि वो अपने को भूल गया और घंटों नाचता रहा और उसी समय उसको ईश्वर दर्शन हो गया। परम पूज्य छोटे भैया बतलाते थे कि ईश्वर प्राप्ति के लिए तीन चीज़ें आवश्यक है, तप, त्याग और तन्मयता। तो जब उसमें तन्मयता प्राप्त हो गई तो वो कर्म ही कर्मयोग में तब्दील हो गया और भगवान को प्राप्त हो गया। ऐसे ही आगे उपासना है जिसमें मन कार्य करता है और बुद्धि सहयोग करती है। और जब साकार परमात्मा का उपासना करते हैं तो उसे भक्ति कहते हैं और निराकार को उपासना। भक्ति का अर्थ होता है मेल मिलाप, सेवा और बंदगी। तो भगवान के साथ में संबंध बनाना और उसकी सेवा करना, उसकी बंदगी करना। और ज्ञान योग में हम ज्ञान प्राप्त कर अपनी शंकाओं को और अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। लेकिन इस ज्ञान मार्ग में तरह तरह के द्वंद्व आ जाते हैं, इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान का मार्ग खड़क की धार, गिरत खगेश न लागे वार। और ज्ञानी शिष्य इन द्वंद्वों में ही फंस जाते हैं और बहुत कम ही पूर्णता तक पहुँचते देखे गए। और इन सभी जो साधनाएं हैं उस सब में एक चीज़ अंत में है कि ये सभी साधनाएं कृपा साध्य हैं, पुरुषार्थ साध्य नहीं। इसमें गुरु की कृपा का ही सहारा है। और इसी के लिए कहा गया है कटे कोटि जन्म अपराध जो गुरु कृपा करे। तो जब गुरु की कृपा होती है तो मनुष्य के सारे संस्कार का क्षय हो जाता। और बिना गुरु की कृपा के जो साधक है पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। और जो साधना है वो गुरु की
कृपा का पात्र बनाने के लिए है कि हम उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं और जैसा वो कहते हैं वही हम करते। तो गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार जैसा उन्होंने हमें साधना बताई है उसी का अभ्यास हम सब अभी करेंगे। इसके लिए एक स्थिर सुखासन से बैठ जाएं, नेत्रों को हल्के से बंद कर लें और ऐसा ख्याल करें कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है और हमारे नेत्र हमारे हृदय में भर है और हमारा हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित होता जा रहा है और धीरे धीरे हम उसमें लय होते जा। इस दौरान हमारे सत्संग की दो प्रार्थनाएं होंगी, जिन भाई बहनों को याद है एक स्वर से गाएंगे और जिन्हें याद नहीं वो सीधे इसी ध्यान में लग जाए। जब यहाँ से परम पूज का आदेश हो तभी ध्यान भंग करें और नेत्र खोलें।